मैं उससे उसी तरह चिपका रहूंगा जिस तरह अपनी माँ की छाती से वही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। जय जोहार, आपमन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36। मैं हूं आपमन के संग प्रकाश। गांधी जी के 150वीं जयंती माँ तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम होत तो है, फिर का हमन गांधी जी के विचार ला समझ पाथन? गांधी जी एक विचार ही है और विचार कभू मर नहीं सके। तो यही विचार ला जाने बर आज हमर बीच मौजूद हवे छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक श्री नंद किशोर शुक्ल जी। उखर कना गोड बात करबो और गांधी जी के विचार उखर सिद्धांत ला जाने के प्रयास करबो। बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। धन्यवाद। सबले पहले तो गांधी जयंती के 150वीं वर्षगांठ है, आज के ये अवसर में आप मन का कहना चाहता हूँ? एक तो बहुत बढ़िया बात है कि गांधी जी ला वैसे तो सब भुला देते हैं, पर जब जब उनकर जयंती के अवसर आते तो सब जन बड़े बड़े आयोजन करते हैं, सभा करते हैं, गोष्ठी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा बात है। अब ये दरी तो 150 साल हो गए गांधी जी ला, एक सेती उनका 150वीं जो वर्ष गांठ मनावत है जन्मदिन, तो ये विशेष कार्यक्रम पूरा दुनिया भर में हुआ थे, खाली है नहीं। तो यही बहाना से कम गांधी जी ला फिर से एक बार सुरता करके उन ये समय पर अपन गांधी जी के संदेश ला आचरण में कैसे उतारे जाए एकरो भी विचार रखी। मोर इसे कहना है कि सब आयोजन होते वो आयोजन से ज़्यादा बढ़ करके उकर विचार आचरण में उतारना है, एक सार्थक उकर प्रति श्रद्धा प्रकट करना हो है। तो अभी जो कुछ भी होवत है उकर बारे में तो महात्मा जी के स्वयं नाती जी कहे कि ऐसे आयोजन से दूर रखना चाहिए। सरकारी आयोजन करना और बड़े बड़े पैसा खर्चा करना और इस प्रकार से करना ये उनका पसंद नहीं है। उनकर मत है भाई, महात्मा गांधी जी के जो नाती हैं तुषार गांधी जी, उनका ऐसे कहना है। अभी 2 दिन पहले उनकर वक्तव्य आए हुए कि ये आयोजनों से दूर, गांधी जी के आयोजनों से दूर वो आचरण की बात है, उनके ले करके वो जो कुछ कहे हैं उनकर वो कुछ कृति करे जाए, ये एक प्रकार की उनकर मंशा है। और मैं इधर समझता हूँ कि बड़े बड़े आयोजन तो ठीक है पर बहुत वही में समय व्यतीत करके और उनकर जो जीवन है उनकर अनुसार आचरण अपन उतारे कोशिश नहीं करना वो कुछ सार्थक नहीं हो है। जी शुक्ल जी, आज के संदर्भ में अगर हमन बात करें तो गांधी जी के ऐसे कौन कौन सा विचार है जो आज भी प्रासंगिक है और उला अगर हमन अपनाएं तो बहुत कुछ सुधार करे जा सकते हैं? महात्मा जी तो जीवन के हर पहलू न खाली देश तो दुनिया भर के जितका समस्या आज हमारे सामने खड़े है वो सब के बारे में समाधान वो बता चुके हैं, बहुत पहले बता चुके हैं, 100 साल पहले वो सब बात ले स्पष्ट कर दे रही हवें। तो गांधी जी तो हमेशा प्रासंगिक हैं, यानी खाली दिवस विशेष पर नहीं, हर कालखंड में, यानी तीनों कालखंड में गांधी जी के विचार एकदम प्रासंगिक है। कभी भी कोई भी समस्या लेकर के चल जाए उनकर पास उनकर समाधान हवे। तो ऐसे वर्तमान में उनकर जो दो प्रकार के दूठिन मुद्दा खास करके विचार करे लायक हवे जो एकदम प्रासंगिक है, जैसे शब्द विकास के डंका हुआ तो पूरा दुनिया भर में अब विकास के नाम लेके हमन प्रकृति ले नष्ट कर दे हमन, ओकर कारण से ग्लोबल वार्मिंग और सब कुछ हो, सब संकट है कि हमारे पृथ्वी बाची कि नहीं बाची। तो दूसर ग्रह में जा करके हम स्थान ढूंढत हन कि भाई दूसर ग्रह हम लोग जगह मिली कि नहीं, काहे के कर तो अवर्धा खत्म हो जाए, नष्ट होने की अवस्था में आगे हवे। तो गांधी जी बहुत पहले आगे हैं कि प्रकृति के अनुसार चले जाए, प्रकृति से झगड़ा करके नहीं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चले जाए, ऐसे ही बहुत समाधान वो करे हमें। तो विकास ये बहुत बड़का मुद्दा है पूरा दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में भी हम छत्तीसगढ़ घड़ा में हवे। तो विकास के जो माध्यम होते वो शिक्षा से होते, बगैर शिक्षा के विकास हो ही नहीं सके, काहे कि शिक्षा से ही सब प्रकार के सामर्थ्य सब प्रकार की क्षमता प्रकट होते। तो गांधी जी शिक्षा लेकर के बहुत गंभीर रही हवाएं। तो आज भी ये जो विशेष मुद्दा है शिक्षा, मुझे ऐसे लगते कि आज ओकर ऊपर विचार जरूर करना चाहिए। क्या है कि गांधी जी शुरू से ही बोले हवें कि शिक्षा सही ढंग से अगर कहीं नहीं दे गई तो फिर विकास मनुष्य का नहीं हो है। जो उन मनुष्य विकास करते ओकरे अगर विकास नहीं हो है तो सब विकास व्यर्थ हो जाए। एकर स्थिति एक पहला जो विषय है तुम वो हराए कि गांधी जी और शिक्षा। दूसर जो एक ठन और बिल्कुल प्रासंगिक है वो प्रासंगिक का है, आज हम देखते हैं पूरा देश भर में
एक बहुत बड़का समस्या है स्थानीय बनाम बाहरी के। जैसे अभी एक ठीक भाषा लेकर के चलिस, एक भाषा बोलेगे इस कई जनों का भाषा के विरोध में खड़े हो गए। हाँ। तो स्थानीय और बाहरी ऐसे एक मुद्दा जगह जगह कहूँ भी कोने प्रांत में आप चले जावा तो वहाँ पर कहते तो बाहर का है, ये तो परदेशिया है, ये छत्तीसगढ़ी है, ये परदेशिया है, ये असमिया है, ये उड़िया है, बंगाली है, ये बिहारी है। यानी हर जगह पर स्थानीय बनाम बाहरी ये दंगा आज भी होते, वो बवाल वगैरह जगह जगह पर खड़े होते। तो ये समस्या के भी समाधान महात्मा जी बहुत पहले दे गए हमारे। तो ऐसे दो ठन शिक्षा और ये स्थानीय बनाम बाहरी, ये जो दो ठन मुद्दा हवे जो हमारे राष्ट्रीयता पोषण भी करी, और अगर ठीक ढंग से दोनों मुद्दा के ऊपर विचार नहीं करे जाए और वाला आचरण नहीं उतारे जाए तो हमारे राष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय ताला वह घातक भी हो है। जी शुक्ल जी, अपन बात करे हो स्थानीय बनाम बाहरी, तो बहुत सही बात अपन करे हो। चाहे हमन कहूँ भी चले जाएं, चाहे महाराष्ट्र में चले जाएं, तो वहाँ भी ये बात ला देखे ला मिलते हैं कि मराठी मन के बीच और बिहारी मन के बीच में एक द्वंद चलते हैं। और सिर्फ उहे के बात नहीं है, चाहे हमन कहूँ भी चले जान, स्थानीय और बाहरी के बीच लड़ाई चलते रहते हैं। ये लड़ाई ला रोके कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये आज़ादी की पहली आसाम में बहुत ज़बरदस्त एकर दंगा हुई से आसामी बनाम बाहरी, तो महात्मा गांधी ला बहुत पीड़ा हुई से। और महात्मा जी कहें कि ये क्या झगड़ा है भाई, सारा देश सबका है और सब देश के हैं, और एक से ये झगड़ा समाप्त होना चाहिए। ये काबर उत्पन्न होते तो उनका इसे कहना रही से कि जोन भी बाहर से आते हैं ये हिंदुस्तान है, कोई भी कहीं भी जाके बस सकत है, ठीक है, सब भारत के हैं और सब भारत सबका है, ऐसे उनका एकदम स्पष्ट कहने। इसमें डॉक्यूमेंट है, मैं आप लोग पढ़ के सुना दें, तो स्पष्ट कह रही है कि भाई शर्त है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाके बस सकता है, रह सकता है, अपन जीवन चर्चा चला सकत है, पर शर्त दुवे ठन है बोले नहीं है वो। पहली शर्त तो यह हवे कि कोई भी जाके करे वहाँ स्थानीय जो उनकर आर्थिक लाभ है ओकर ऊपर कब्जा झन करें। अच्छा। और दूसरा भी कह रही नहीं कि उनकर राजनीतिक अधिकार घलाव कब झन मारें, तो यह शोषण झन करें, यानी शासक बन के वहाँ काम झन करें। हाँ। तो वहाँ के समरस होकर के जो स्थानीय समाज है उकर हित कैसे हो है एला देख करके अपन लाभ लेना चाहिए, यानी अपन लाभ ले बर स्थानीय हित का स्थानीय संस्कृति ला बर्बाद कर देना ये ठीक नहीं है। ये जब हो ही तभी जा कर के ठीक ठिकाने का आपस में है। मैं पढ़ के आप लोग सुना देता हूँ, खास करके यानी जब आसाम में दंगा चली तो वो ये बात ल वो ये 1947 की बात है ना, ये उकरे मैं बताता हूँ, ये उकरे वचन आए उकरे पत्रिका में छपेरी साहब है हरिजनमा जेकर उद्धरण आए, तो वो सीधा वो में लिखे यानी प्रांतीय भावना भड़के हैं तो मैं ये प्रांत के वो प्रांत के, तो रहना चाहिए राष्ट्रीय भावना, पर प्रांतीय भावना वो उभर क्या थे, तो ओकरे बारे में गांधी जी कह रही हैं कि लिखे है, चलो बताता हूँ मैं, असमी सोचते हैं यानी वो पेपर में स्टेटमेंट दे रही है महात्मा गांधी, वो कहते असमी सोचते हैं कि असम पर केवल उनका ही अधिकार है, किंतु यदि यही भावना सब प्रदेशों में व्याप्त हो जाए तब भारत पर किसका स्वत्व होगा। गांधी जी ने कहा कि सब प्रदेशों के लोग भारत के हैं और भारत सब प्रदेशों का है, कोई भी भारतवासी किसी भी प्रदेश में जाकर बस सकता है, सिर्फ एक शर्त होगी कि न तो वह वहाँ के लोगों का शोषण करे, देखो शोषण करे मैं तो भुला गया हूँ, न तो वह वहाँ के लोगों का शोषण करे, न उन पर शासन करे, कतका स्पष्ट हवे कि बाहर से आने वाला मन जिसमें छत्तीसगढ़ हवे तो छत्तीसगढ़ में जितने जन बाहर से आवत हैं तो न छत्तीसगढ़ के शोषण झन करें, अतका स्पष्ट करे हवे। और दूसरा क्या है कि ऊपर ऊपर शासन मत करे, शासन मतलब राजनीति ऊपर अधिकार ऊपर कब्जा झन करे। आज छत्तीसगढ़ में ये दोनों के दोनों बात देखे जाते कि ऊपर शोषण भी हुआ थे और ऊपर ऊपर शासन भी हुआ थे। अच्छा। तो अब थोड़ा परिवर्तन अभी हुए है बात जरूर है, पर अभी तक जब ले छत्तीसगढ़ अलग बने सब जन बात स्पष्ट रूप से करे हवे, तो गांधी जी एक बल कहा थे कोई भी भारतवासी किसी भी प्रदेश में जाकर बस सकता है, सिर्फ एक शर्त होगी कि न तो वह वहाँ के लोगों का शोषण करे, न उन पर शासन करे, न वहाँ के लोगों के हितों को कोई हानि पहुँचाए। इसी तरह बिहार बेशक बिहारियों का है किंतु बिहार पर भारत का भी हक है, कोई भारतवासी बिहार में विदेशी नहीं कहा जा सकता। यानी अतका स्पष्ट अगर क्लोजअप दिखा सकत हो एक तो बहुत बढ़िया हो है। यानी अब गांधी जी के ही विचार
तो साफ साफ कहे कि बाहर से कोई भी आवे, ये जब ये शर्त नहीं माने ना तो बाहर से आने वाला मन कर शर्त शोषण करे लगते हैं, क्षणिक लाभ ले बर, थोड़ कर लाभ ले बर, यानी गरीब लभी और गरीब बना देते हैं, तो एमो झगड़ा प्रारंभ होते हैं। फिर दूसरा क्या है कि भाई ये जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन तो राज करें कि नहीं करें, तो छत्तीसगढ़िया मन राज न करके जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ के शोषण कर रहे थे ऐसा हो कि वो राजनीतिक अधिकार छीन है तो झगड़ा होबे कर ही, यही हो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मैं तो सब प्रदेश में लगभग देखे हूँ, आसाम घरा में मोर सामने में दंगा फसाद हो है, केवल ही बात लगे अगर दो ठन बात बाहर से आने वाला मन ये दो ठी बात ल अगर ध्यान में रख करके आचरण करें, यानी शोषण धन करें छत्तीसगढ़ में, शासन धन करें, वो इसने जहाँ भी मैं मान लो चल दे उड़ीसा में तो मैं उड़ीसा के उड़िया मन के शोषण धन करूँ, उनकर ऊपर शासन धन करूँ, मैं अपन जीवन कमाऊँ, पैसा कमाऊँ, जीवन चलाऊँ, सब कुछ करूँ, खेती बाड़ी करूँ, व्यापार धंधा करूँ, नौकरी चाकरी करूँ, पर स्थानीय आदमी के शोषण धन करूँ, उनकर ऊपर शासन धन करूँ, ये दोनों उनकर यानी उनकर अर्थ पे आघात धन करो और उनकर जो अस्मिता है उनका पर आघात धन करो। ऐसे महात्मा गांधी जी कब के बोले हैं ये देखो, वो हरिजन में 21 सितंबर 1947 को छपे हरिजन में गांधी जी की ये वक्तव्य, तो इन्हें आज़ादी के पहले ही गांधी जी ये समस्या का समाधान दे, तो गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं कि नहीं है तेरे बताओ। एकदम प्रासंगिक है, भले ही संविधान में ये बात के उल्लेख है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में एकर वर्णन करे गए कि कहूं भी आदमी जाके अपन व्यापार कर सकत है, बस सकत है, लेकिन ये बात बहुत अच्छा गांधी जी कहे है तो, और एला अपना के सही में जो क्षेत्रवाद है, जो स्थानीयवाद और बाहरीवाद के जो मुद्दा चला थे ओला दूर करे जा सकते हैं। कि पहली बात तो ये है संगवारी हो कि जो भी बाहर से आते हैं, बाहर से कहे मतलब कोई दूसर राज्य से आते हैं, तो वो वहाँ के जो स्थानीय रहवासी है उनके ऊपर शोषण ना करें, उनके ऊपर शासन ना करें। पर एक बात आओ यही संदर्भ बता आप संविधान बात के, तो संविधान में एक ऐसी धारा भी है कि भाई स्थान बाहर से आए हुए आदमी उनकर नियम बनाए हुए कि बाहर के आदमी को सर्टिफिकेट लगे, स्थानीय व्यक्ति होने का सर्टिफिकेट दो स्थानीय निवासी होकर के, तो संविधान में चीज गांधी जी के कारण ही हमारे संविधान निर्माता मन एक व्यवस्था करें हमें कि बाहर से कतेक प्रतिशत जा सकते हैं, कतेक प्रतिशत नौकरी दिए जाए, तो एकर व्यवस्था हवे कि एकरे लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगते कि भाई इतने साल का रहने वाला हो और फिर ओकर पश्चात ओकर नियम कानून बने हवे स्थानीय व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जाए, तो संविधान में हवे ये अधिकार जी कहीं भी जाके बस सकते है, पर ओकर संग में शर्त जो है वो यही हाँ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि हाँ मैं स्थानीय निवासी हूँ, अतिक सालों में यहाँ रह तक के ऐसे, तो गांधी जी के बात ही लेकर के संविधान चले आगे। शुक्ल जी अपन छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक हो, छत्तीसगढ़ी भाषा ला प्रसार प्रसार करे बर जो आपमन काम करत हो वो कुखरों से छुपे हुए नहीं है, तो आज के समय में अगर बात करी छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार बर गांधी जी भी अगर हमन बात करी तो भाषा के प्रति उनकर जो सोच रही से वो ऐसे रही से कि मातृभाषा बहुत जरूरी है लैकन ला सिखाए पढ़ाए बर, तो का आपमन ला लगते कि गांधी जी की ये जो सोच है वो अभी के समय में छत्तीसगढ़ में लागू हो पाते हैं? ये पूरा देश में लागू है, मैं पहले बता रहे दोनों समस्या गांधी जी के आज प्रासंगिक अगर कहीं मुद्दा है जेकर ऊपर बाकी मन कोई चर्चा कर ही नहीं, तो पहली स्थानीय बनाम बाहरी की समस्या का समाधान गांधी जी बताए हैं कि शोषण मत करो, शासन मत करो स्थानीय समाज के ऊपर, तो वो इसने शिक्षा को लेकर के बताया हमें, वो कहे भी कि शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो शिक्षा विकास के लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के लिए माध्यम जरूरी है, तो गांधी जी कहे हैं शिक्षा के माध्यम का विचार किए बिना अगर कहीं कोई शिक्षा प्रारंभ करते तो वो वैसे हो है बिना नींव के भवन खड़े करना, तो बिना नींव डाले अगर भवन खड़े करे तो फरफरा के गिर जाए, तेकर स्थिति गांधी जी के सबसे पहले महत्वपूर्ण में मानत होला कि शिक्षा अगर देना है तो शिक्षा कौन से भाषा से दिए जाए, एकर पहली विचार करो, एकर पहली तय करो, ऐसे गांधी जी कहे हैं। और एकर स्थिति यही सदर बोली है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी जो न हम लोग गुलाम बने वो विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा बिल्कुल बंद कर दो,
ये महात्मा जी कहना है कि अंग्रेजी हमारे देश की बिगाड़ करे है और अंग्रेजी के कारण से, अंग्रेजी वो शिक्षा दे के कारण से लड़का के का नुकसान होते कि अंग्रेजी एक तो पढ़े लड़का जो सबसे बढ़िया होते महतारी भाषा, तो महतारी जोन भाषा लड़का जाना थे वही भाषा के माध्यम से वो शिक्षा देवे तो जल्दी समझ ही हो। यानी शिक्षा के एक सिद्धांत भी है, ज्ञात से अज्ञात को जौन चीज मैं जानो था ओकरे माध्यम से जो मैं नहीं जानो था वो सिखावे तो मैं बहुत जल्दी सीखा ये सीधा। तो मातृभाषा ऐसे है जैसे छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी लड़का अपन माँ के गर्भ से सीख क्या थे और धीरे धीरे अपना ओकर पास में कई हजार शब्द रह जाते हैं। यानी शब्द को सोलह पढ़ाए नहीं पड़े, स्कूल जाए के पहली ओकर शब्द भंडार ओकर व्याकरण अपने आप वाला पता ही थे। इसलिए हर एक मातृभाषा को थे, तो गांधी जी यही बात रखे हवा कि भाई मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए, अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं देना चाहिए और एक मातृभाषा छोड़ के और कोनो भाषा में शिक्षा दे का नुकसान होते। चलो गांधी जी पढ़े मैं पढ़ के सुना देते हैं एकदम साफ साफ कहे हमें, और वो इंडियन ओपिनियन 28 दिसंबर 1907 के वो बोले हमें, वो कहे हैं अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए हमारे लड़के और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्राध्यापकों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूं। यानी जबरदस्त बोले है कि मैं बदलाऊँ और जो नहीं बदल ही ना वो शिक्षा प्रोफेसर ना मैं तुरंत बर्खास्त कर दे हूँ। यानी कतका गंभीर बात बोले हैं, वो कहे सीधा बोले हैं और प्राध्यापकों से यह माध्यम तुरंत बदलवा दूं या उन्हें बर्खास्त कर दूं, मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे चली जाएंगी। यह एक ऐसी बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। और एक स्थिति आगे चल के भी कहें हमें कि मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है, जो मातृभाषा का अपमान करता है वह स्वदेश भक्त कहलाने लायक नहीं है। यानी कतका साहब बोले हैं कि कई जन कई जन भी कि छत्तीसगढ़ी पढ़ाई लिखाई कैसे हो है, अभी तो अगर कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। तो गांधी जी कहा थे कि मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई के निर्णय करो, पाठ्य पुस्तक तो अगर पीछे पीछे चले आई तो गांधी जी के बात का नहीं मानना, यानी गांधी जी की पूजा करना और गांधी जी के बात नहीं मानना ये तो गांधी जी के विपरीत बात हो गई। ये तो वही बात होगी कि गांधी जी ला तो माना था लेकिन गांधी जी के नहीं माना था, है ना। गांधी जी ला माना था गांधी जी के नहीं माना था, और यही सब दुर्दशा के कारण हवा है। नहीं तो गांधी जी की अवस्था चलती तो आज 70 साल में देश कहाँ के कहाँ पहुंच जाती। यानी सीधा के सीधा वो कहे हैं कि जो जैसे कि शरीर के लिए दाई के दूध हवा वो शरीर पुष्ट होते ओकर कोई विकल्प नहीं है, दाई के दूध के कोई विकल्प नहीं है। जैसे दाई के विकल्प नहीं है वैसे दाई के दूध बकरी के दूध नहीं हो सका है, वो जो दाई के दूध में जो ताकत है वो बकरी के दूध में नहीं है, है ना। तो कोई विकल्प नहीं है, वैसे जैसे दाई के दूध की विकल्प नहीं है दाई के कोई विकल्प नहीं है, तो वही प्रकार के दाई भाषा के यानी महतारी भाषा के कोई विकल्प नहीं है। एक शुरुआत में गांधी जी कहे हैं शुरुआत में उकरे माध्यम से महतारी भाषा के माध्यम से शिक्षा दो, बाद में तो अंग्रेजी वगैरह सब कुछ पढ़ ले, भाषा का विरोध नहीं है, भाषा तो हो सब भाषा पढ़े सब ज्ञान की बात है, पर महतारी भाषा ल उपेक्षा करके बोले किनारे करके और फिर आने को भाषा में पढ़ाना ये बड़का भयंकर अपराध है। और तेकरे से गांधी जी आप सब कह रही हैं देखो कतका जबरदस्त बात कहे हैं, मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पर माँ की भाषा को छोड़कर दूसरे कोई भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूँ। एक से बड़े को क्या बात है गांधी जी कहे हमें, मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे आत्महत्या ही करते हैं। अब बताओ चलो कौन नहीं बोली, ये मैं बोला था 10 साल से घोरा था गांधी जी के बाद कि गांधी जी ये कहें कि मैं अगर अपन महतारी भाषा शिक्षा नहीं पाता हूँ तो मैं आत्महत्या करता हूँ, इसीलिए मैं इस चीज़ को पहले दर्जे का राष्ट्रीय संकट मानता हूँ। बताओ ये राष्ट्रीय संकट है, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई नहीं करना ये राष्ट्रीय संकट है। और एक से जो कहे हैं कि कोनो मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई बच्चा के नहीं करावाएं वो मन जनता के दुश्मन है, ये गांधी जी कहे हमें। तो एक प्रकार के महात्मा गांधी शिक्षा लेकर के जो बात कहे हमें वो बिल्कुल साफ साफ हवे कि महतारी भाषा के माध्यम जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में गोंडी हलबी है ये सब महतारी भाषा के माध्यम से होना चाहिए पढ़ाई लिखाई। अगर गांधी जी के हम पूजा करत हन
तो गांधी जी जो कहे है चला हम मानी और मान करके हमारे महतारी भाषा के माध्यम से कम पांचवी कक्षा से जो संविधान में हवे वो तो कम से कम करावाएं। तभी दो दिन तक के विधानसभा में गांधी जी के विचार के लेके मंथन चली तो वो सब निवेदन है हमारे जितने भी विधायक जनप्रति हवें उमन गांधी जी के ये दोनों ठन बात कि स्थानीय आदमी के स्थानीय समाज के शोषण नहीं होना और स्थानीय समाज के ऊपर शासन नहीं करना उनकर शासन वही मन लग चलावाएं उनकर सब काम धंधा लग वही मन करें उनकर ऊपर कोई आघात धन करें ये गांधी जी की बात ला उनकर चर्चा कर ही तो बहुत बढ़िया बात है। वही प्रकार के जिला राष्ट्रीय संकट का मातृभाषा माध्यम में शिक्षा नहीं देना ये बहुत बड़का राष्ट्रीय संकट है। महात्मा गांधी कहत हमें तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हमें हमारे जो सरकार हमें हमारे जो मुखिया हमें वो सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि गांधी जी के लेकर दो दिन तक के आप सब दिन चर्चा करिए ये दोनों ही मुद्दा के ऊपर जम के आप मन चर्चा करो तो हमारे छत्तीसगढ़ के जनता और देश के लिए बहुत बड़का उपकार हो जाए। जी का बात है शुक्ल जी अपन अतका सुघर सुघर बात बताए हो गांधी जी के विचार आज भी कैसे प्रासंगिक है एला बहुत अर्था के आप मन समझाए हो हमला बहुत अच्छा लगी से आप मन के हमारे स्टूडियो में आके गांधी जयंती के ये अवसर में ये बात हम समझाए हो बताए हो और हमारे दर्शक जिन ये कार्यक्रम ला देखा थे वह मन ला जरूर गांधी जी ला और पास से जाने के अवसर प्राप्त हुई सो ही ये मोला पूरा विश्वास है। तो हेमा छोटकन बात जी मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी के विचार ल सबसे ज्यादा हत्या छत्तीसगढ़ में हो हवाए कैसे होए मातृभाषा माध्यम से तो पढ़ाते नहीं है अरे यहाँ तो मातृभाषा ले बदल दिए गए हैं। गांधी जी कहे कि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हुआ पर मातृभाषा हमारे छत्तीसगढ़ी आए पर यहाँ आन रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ी के जगह में हिंदी लिख दे गए हवाए अब कौन लिखे हवा दबाव में आकर लिखा दी या अज्ञान में लिखा दी तो गांधी जी के विचार के तो गला घोंट दिए गए छत्तीसगढ़ में उनकर महतारी भाषा ही बदल दी गई है आन रिकॉर्ड। तो मैं समाज से भी निवेदन करता हूँ कि अपन लड़का मन के भी रजिस्टर में आन रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ी है कि छत्तीसगढ़ी लिखें गोंडी के गोंडी हल भी लिखें अपन मातृभाषा ला झन बदलें कुकुर बिलाई के महतारी भाषा बदले नहीं पर यहाँ हमारे पूरे समाज के मातृभाषा आन रिकॉर्ड बदल दिए गए है। तो गांधी जी के ए समय पर निवेदन है सरकार से समाज से शासन से प्रशासन से कम ये जो मातृभाषा बदले के जो महापाप करे गए हैं जो महात्मा गांधी कहे अगर कोई विकल्प नहीं है ओला तो सुधारें यही है गांधी जी के प्रति सच्चे श्रद्धांजलि हो है अतका मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी तो शुक्ल जी के बात आप मन सुने हो हमन उम्मीद करत हन कि जो हमारे कार्यक्रम ला देखा थे चाहे वो शासन प्रशासन के कोई प्रतिनिधि हो जम्मो जन भी जो भी हमारे कार्यक्रम ला देखा थे ये बात ला समझे जाने गुने और समझे कि कैसे बिना मातृभाषा के पढ़ाई लिखाई संभव नहीं है कहे कि जब मातृभाषा में कोई लड़का हा कोनो बात ला सीखते तो वो बहुत ज़्यादा समय तक उखर दिमाग में स्थायी रूप से रह पाते। तो शुक्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपन के कि कार्यक्रम में आए हो कबर की आपन गांधी जी ला बहुत करीब ले जानता हो बोला पढ़े हो हाँ पढ़े हो एकरे माध्यम से बहुत करीब से जाना बहुत काफी आपन उखर बारे में पढ़े हो जानता हो काफी अध्ययन आप मन करे हो तो बहुत अच्छा लगी से आप मन के बात के जरिए भी ये बात है पता चलत रही से कि कैसे हमन गांधी जी के विचार के माध्यम से आज भी बहुत सारा जो परेशानी है ओला दूर कर सकथन। तो बहुत अच्छा लगे से आप मन हमारे स्टूडियो में आए हो अच्छा समय दिए हो। तो संगवारी हो ये रही से छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के संयोजक श्री नंद किशोर शुक्ल जी इखर कना गोट बात हमन करे हैं हमारे कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगे से कमेंट करके बताओ और फिलहाल न्यूज़ ले अपडेट पर देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। गांधी जी ने मातृभाषा प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों ना हो मैं उससे उसी तरह चिपका रहूंगा जिस तरह अपनी माँ की छाती से वही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है।